यूरिक एसिड भी एक बड़ी परेशानी है हड्डियों के लिए। यूरिक एसिड बढ़ने से हड्डियों में दर्द होता है, तो कैसे पता चलेगा कि दर्द जो हो रहा है हड्डियों में वो आर्थराइटिस की वजह से है या फिर यूरिक एसिड बढ़ गया है? साथ ही साथ यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए फिर उपाय क्या है वो भी बता। देखो, तो यूरिक एसिड कम करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, गोखरू का पानी पियो। आजकल तो हमने गोखरू की गोली बना दी है, तो गोखरू की गोली सब इजीली खा सकते हैं, ट्राइघनवटी और चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुगल। हमारा ये साइंटिस्ट जो है ना, जो रोज नए नए रिसर्च करता है, उसका ही एक बार यूरिक एसिड बढ़ गया तो बोले बाबू जी हमारे यहाँ तो एलोपैथी में तो कोई दवाई नहीं है, हमने तो पढ़ा नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा करो, चंद्र प्रभाव गोक्षरादि एक सप्ताह खा लो, गोखरू का पानी पी लो। एक सप्ताह बाद उसने टेस्ट कराया, बोले स्वामी जी तो सीधा 11 से 5 पर आ गया। तो ये 7 से ऊपर जाते ही ना यूरिक एसिड ये पेन करने लगता है, छोटी सी चीज बढ़ गई, सारे पैरामीटर नॉर्मल, खाली यूरिक एसिड बढ़ गया। आर फैक्टर तो इन्फ्लेमेशन से बढ़ता है, फिर सीआरपी एन एवियन, ये ऑटोमेन डिजीज है, ये जो है बढ़ते हैं पूरी गलत दिनचर्या से। हमारा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है ना, समय से सोना नहीं, समय से जागना नहीं, वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार जिनका अपने आहार व्यवस्था नहीं होती, तो उससे भी जो है ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम और ये सारे यूरिक एसिड आदि बढ़ते हैं। तो यूरिक एसिड वाले एक तो नींबू ना खाएं। आजकल मोटापा कम करने के चक्कर में, एजिंग के चक्कर में, कि जितने भी खट्टी चीजें हैं वो सब एंटी एजिंग होती हैं, तो एक ने आंवले खाने शुरू कर दिए भर भर के, और संतरा, फिर अनानास, और थोड़े दिन में फिर आर्थराइटिस से चढ़ के मेरे पास आया। मैंने कहा तूने बुरा हाल क्यों किया? बोले जी मैंने सुना था, पहले तो एक भाई एक बहन दोनों को देखा मैंने, पहले तो मोटा था, तो उस एक बहन तो दुबई से आई, पूरी अर्थराइटिस से जकड़ी हुई। मैंने बोले जी मैं पहले 1 क्विंटल की हो गई थी, तो सिट्रिक फ्रूट आदि खा करके वेट तो कम हो गया, लेकिन पूरा जकड़ गया। तो ये तो 97 से 47 की पूजा बैठी, ये तो नहीं जकड़ी, क्योंकि उसने ये सब उपद्रव नहीं किया। अति सर्वत्र वर्जित। तो ये जो ज्यादा खट्टी चीजें खाते हैं, ये बात सही है, आंवला है, नींबू है, संतरा है। एक दिन मैंने हेमा मालिनी का फोन आया, मैंने कहा क्या खा रही है? बोले मैं रोज संतरा खाती हूँ। मैंने कहा संतरा थोड़े थोड़े खाना तो संग तरेगी, नहीं तो ये भी कार्टिलेज को घिसाते हैं, वहां थोड़ा दर्द तो हो गया। मैंने कहा कम खाया करो। तो संतरा, नींबू, मौसमी, आंवला कम खाना चाहिए, आर्थराइटिस होने पर तो हम बंद ही कर देते हैं। तो ये बड़ा कारण बन जाता है हम ज्यादा, और वैसे भी खट्टी चीजें कुछ ज्यादा ही खाते हैं आजकल लोग, उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। और जो उपाय मैंने बताया, गोखरू, ट्राइगन, कोरीगन, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, इसका सेवन करें, पानी ठीक ठीक मात्रा में पिए, तो यूरिक एसिड कतई नहीं बढ़ेगा। और कपालभाति जरूर करें मेरे भाई।